नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। कानपुर के चर्चित विकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में ऋचा दुबे को एक हफ्ते में हाजिर होने का आदेश दिया था और उसी मामले में कोर्ट में आने की संभावना उनकी जताई जा रही थी, लेकिन ऋचा दुबे कोर्ट नहीं पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर की तय कर दी। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही पुलिस ने उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विकास की पत्नी ऋचा दुबे पर अपने नौकर के सिम का बिना इजाजत के इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में पुलिस आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। ऋचा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ दायर धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर उसे एक हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ऋचा दुबे पेश नहीं हुई और न ही उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन दायर की गई। ADGC आशीष तिवारी ने कहा है कि कोर्ट में जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 दिसंबर की मुकर्रर की गई है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।